हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज। मैं आज आपको फोटो रिसाइज का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी वीडियो चढ़ाता रहूं। तो हम आप बात करते हैं फोटो रिसाइज के बारे में। फोटो रिसाइज के बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसके अंदर पिक्स रिसाइजर और फोटोशॉप वगैरह और भी है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस भी लंबी है और हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। और ये जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो सबसे आसान तरीका है और हर पीसी के अंदर ये मिल जाएगा। ये मेरा वीडियो खास उन व्यूअर के लिए है जो ई मित्रा, आरकेसीएल सेंटर और ऑनलाइन फॉर्म का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरे को ये फोटो रिसाइज करना है, पहले मैं इसकी साइज देख लेता हूँ। तो इसकी साइज अभी बता रहा है 7.2 KB। चलिए दोस्तों, हम पेंट खोलते हैं। ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इससे कोई भी रिसाइज नहीं करता। इससे रिसाइज करने से हमें क्वालिटी अच्छी मिलती है और फोटो हाथों हाथ रिसाइज हो जाती है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर हम रिसाइज करते हैं बट उसकी क्वालिटी कम हो जाती है और टाइम भी बहुत लगता है और एक्स्ट्रा में हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, जबकि ये सॉफ्टवेयर हमें हर पीसी के अंदर विंडो, एक्सपी, 7, 8 और 10 सब में अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले फोटो सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा वो फोटो था, ये ओपन कर लिया इसको। अब हम इस पे रिसाइज पे क्लिक करेंगे। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद हम पिक्सल में इसको सेट करेंगे। अभी ये 669 बता रहा है, इसको हम कम कर लेंगे। जैसे कि इसको हम कर लेते हैं 90। ये देखो देखो, दूसरा ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ओके करते हैं। ये देखो बहुत ही कम हो गया फोटो। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम वापस फोटो पे चलते हैं। ये रहा हमारा फोटो और इसकी साइज देख लेते हैं हम वापस। ये देखो 4.56 KB का हो गया है।